The process of transforming data to an unrecognizable or encrypted form is known as encryption. मतलब कि जो हमारा डाटा है उसको हम किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दें कि वो किसी और बंदे के लिए रीडेबल ना हो, जो अनऑथराइज्ड है, मतलब हम भी उसको रीड ना कर सके, उसको कहते हैं इनक्रिप्शन. इट इज ऑफन यूज्ड टू सेफगार्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सो दैट ओनली ऑथराइज्ड पीपल हैव एक्सेस टू इट. वो कह रहा है कि हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपना जो सेंसिटिव डाटा या इंफॉर्मेशन है उसको हम सेफ रख सके किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से. इनक्रिप्शन इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रोटेक्ट डाटा transmitted via wireless network and internet. अब कह रहे हैं encryption है, ये हमें इस जगह पे भी जो है ना protect करती है कि हम अपना data online या फिर किसी network के through किसी को भेज रहे हैं. इसका process basically क्या होता है, encryption का काम ये है कि इसने हमारा जो plain text है, जो हमारा simple data है, उसको cipher text में convert करना है, जो कि unreadable हो जाता है, कोई भी उसको रीड नहीं कर सकता. अगर उसको रीड ले भी ले तो उसको कहीं से चढ़ा भी ले तो जब तक वो अगले बंदे के पास ना जाए और वो उसको डिकोड ना करे, ये मैं बोलते हैं इंक्रिप्शन. तो नेक्स्ट क्या करना, आगे डिक्रिप्शन. डिक्रिप्शन क्या होती है, डिक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनक्रिप्टेड डेटा बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्मेट. मतलब जो हमारा इनक्रिप्टेड डाटा होता है, जो हमारा साइफर टेक्स्ट होता है, उसको हम जब अगर प्लेन टेक्स्ट में दोबारा कन्वर्ट करना हो तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिक्रिप्शन. जैसे कि इसने कहा इन जनरल इट इज अ रिवर्स इनक्रिप्शन प्रोसीजर. मतलब इनक्रिप्शन का जो रिवर्स प्रोसीजर है हम डिक्रिप्शन कहते हैं. बिकॉज डिक्रिप्शन रिक्वायर अ सीक्रेट की और पासवर्ड, इट डिकोड द एन्क्रिप्टेड इंफॉर्मेशन सो दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर मे डिक्रिप्ट द डाटा. अब वो कह रहा है कि जो डिक्रिप्शन है उसको कोई ना कोई पासवर्ड या कोई ऐसा कोड चाहिए जो कि उसके पास अथॉरिटी यूज का पास होता है, ताकि वो डाटा को डिकोड करे और उसको रीड कर सके, उसको यूज कर सके. नेक्स्ट स्लाइड करें. अगर ये हमारा मेन टॉपिक है आज का मेरा, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन. मैं देख रहा सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होती क्या है, इसकी टाइप्स क्या है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या यूजेज हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, हम सब वो देखेंगे. जैसे उसने कहा सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज अ टाइप ऑफ इंक्रिप्शन दैट यूज ओनली वन की टू इंक्रिप्ट एंड डिकोड अ डिक्रिप्ट इलेक्ट्रॉनिक डेटा. मतलब कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में हमारे पास सिर्फ एक ही सीक्रेट की होती है जो कि डाटा को एनक्रिप्ट ही करती है और वो ही सीक्रेट की डाटा को डिकोड या डिक्रिप्ट भी करती है. इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं, जैसे अगर हमने अपने घर को लॉक किया है तो हम एक ही चाबी से उसको लॉक करते हैं और उसी चाबी से हम उसको खोलते हैं. ये हमारे पास सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की एक एग्जांपल है कि हमारे पास जस्ट ओनली वन की होती है जिसे हमने बोथ प्रोसेस परफॉर्म करने होते हैं. द की मस्ट बी एक्सचेंज बिटवीन द एंटिटीज कम्युनिकेटिंग यूजिंग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन सो दैट इट मे बी यूटिलाइज्ड इन दैट डिक्रिप्शन प्रोसेस. जैसे कि उसने कहा है कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में जो की है ना सीक्रेट की, वो दोनों एंटिटी जो कम्युनिकेट कर रही है उनके दरमियान ट्रांसफर होना चाहिए, ताकि जो रिसिपिएंट है वो उसको यूज करके डाटा को डिकोड या डिक्रिप्ट करे, उसको यूज कर सके. दिस इंक्रिप्शन मेथड वेरीज फ्रॉम द एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन. जैसे किसने कहा है कि जो इंक्रिप्शन मेथड है वो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन से डिफरेंट है ये वाला, क्योंकि एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होता है, हमारे पास दो की होती है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट, ठीक है ना. एक की हमें डिक्रिप्ट करके देती है डाटा, एक इनक्रिप्ट करती है. तो ये जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है इसमें सिर्फ एक ही होती है, उससे डिफरेंट है. नेक्स्ट स्लाइड करें. डाटा ट्रांसफर टू अ फॉर्म दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय एनीबॉडी हु डजंट हैव द सीक्रेट की टू डिकोड यूजिंग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन टेक्निक. वही बात के डाटा कैसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है कि कोई और जो बंदा अनऑथराइज है, इसके पास की नहीं है, उसको कभी भी रीड नहीं कर सकता. वंस अ मैसेज हैज बीन सेंड टू इंटेंडेड रिसिपिएंट हु होल्ड द की, उसने कहा एक बार जब मैसेज उस बंदे को पहुंच जाए जिसको हमने भेजा है, जो कि की को होल्ड करता है, जो कि ऑथोराइज है, द एल्गोरिथम रिवर्स इट्स एक्शन. जो इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम है वो रिवर्स होता है और डाटा को वापिस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ले आता है. The secret key used by both sender and receiver might be a particular password, code, or a random string of letter or number produced using a secure random number generator. अब उसने कहा जो key दोनों sender और receiver के दरमियान जो वो exchange होती है, वो कोई भी number हो सकता है, कोई password हो सकता है, कोई code हो सकता है,
या कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, रैंडम नंबर जो कि किसी नंबर जनरेटर से प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब उसकी डिफरेंट फॉर्म हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड करना। आ गया टाइप्स ऑफ साइमेट्रिक एन्क्रिप्शन। अब हमने देखना है साइमेट्रिक एन्क्रिप्शन की कितने टाइप है, दो टाइप्स है, एक ब्लॉक एल्गोरिथम है और एक स्ट्रीम एल्गोरिथम है। ब्लॉक एल्गोरिथम में क्या होता है, विद द यूज ऑफ अ सीक्रेट की सेट लेंथ ऑफ बिट्स आर एन्क्रिप्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक डेटा ब्लॉक्स। अब इसमें ये कहता है कि सीक्रेट की को यूज करते हुए जो हमारा डाटा है उनको डिफरेंट किस्म की बिट्स नंबर में ना वो डिवाइड करता है, तो डिफरेंट ब्लॉक बना देता है। While data is encrypted, जब के data encrypt हो रहा हो तो system store it in memory while waiting for entire block। ये जब data हम encrypt कर रहे होते हैं ये साथ साथ data को memory में store कर देता है जब तक हमारे पास total data encrypt नहीं हो जाता है। आगे second है stream algorithm। Stream algorithm में क्या है, instead of being stored in system memory, data is encrypted in a stream। वो कहता है stream algorithm मेमोरी में स्टोर नहीं करता डाटा को बल्कि इसकी एक स्ट्रीम बना लेता है जो कोड होते हैं ना उनकी। नेक्स्ट स्लाइड पर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ साइमेट्रिक एन्क्रिप्शन, साइमेट्रिक एन्क्रिप्शन का पर्पस क्या है, इसका यूज क्या है। आ गया व्हाइल साइमेट्रिक एन्क्रिप्शन इज मोर एडवांस्ड देन एसाइमेट्रिक एन्क्रिप्शन इट इज क्विकर एंड मोर एफिशिएंट। वो कह रहा है कि जो साइमेट्रिक एन्क्रिप्शन है वो एसाइमेट्रिक एन्क्रिप्शन से ज्यादा एडवांस्ड है, ज्यादा बेहतर है और ज्यादा क्विकर है, इसमें हमारा जो प्रोसेस है वो जल्दी परफॉर्म होता है। साइमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, अब इसमें नपल्स क्रिप्टोग्राफी आ गई, ये भी एक टेक्निक है अपने डाटा को सिक्योर करके अपने डाटा को जो है ना इनक्रिप्ट करके सेंड करना। वेल हमारा ये टॉपिक नहीं है इसलिए हम इसको नहीं छेड़े, जैसे नपल्स क्रिप्टोग्राफी बता दिया है। साइमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी इज कॉमनली यूज फॉर बल्क इनक्रिप्शन, मतलब के बल्क इनक्रिप्शन का मतलब है ह्यूज डाटा, मतलब बहुत ज्यादा डाटा हो, लाइक सच एज डेटाबेस इंक्रिप्शन, जैसे हम किसी डेटाबेस को इंक्रिप्ट करते हैं ड्यू टू इट्स सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड स्पीड, क्योंकि हम डेटाबेस में ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो अच्छी है और डेटाबेस के अंदर बहुत ज्यादा डाटा होता है। इन द केस ऑफ अ डेटाबेस, डेटाबेस केस के सिस्टम में जो है ना द सीक्रेट की मे बी यूज टू एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट डेटा एक्सक्लूसिवली बाय डेटाबेस। इसमें कहता है कि डेटाबेस के सिस्टम में जो हमारे पास सीक्रेट की होती है जो कि इनके ऊपर डिक्रिप्ट करती है वो एक्सक्लूसिवली होती है डेटाबेस में, डेटाबेस ही होता है या डेटाबेस बेस के पास ही होती है। नेक्स्ट स्लाइड करना। आगे ये हमारे पास मतलब मेन एक इसका एस्पेक्ट है कि इट सेफ टू यूज सम इंक्रिप्शन। अब हम इसको यूज तो कर रहे हैं, ये एफिशिएंट भी है, ये क्विकर भी है, ये फास्टर भी है, एडवांस भी है, क्या ये सेफ है। आगे हम देखते हैं, व्हेन यूजिंग लोअर साइज की साइमेट्रिक एन्क्रिप्शन इज मोर सिक्योर देन ए साइमेट्रिक एन्क्रिप्शन। कहता है अगर हमने लोअर साइज की यूज करनी है तो उसके लिए हमारे पास साइमेट्रिक एन्क्रिप्शन जो है सबसे बेहतरीन अप्रोच है, क्योंकि हम क्योंकि इसमें ये होता है अगर उसने कह दिया दिस इज बिकॉज विद ए साइमेट्रिक एन्क्रिप्शन विद स्मॉलर कीज। उसने कहा अगर ए साइमेट्रिक एन्क्रिप्शन में स्मॉलर कीज हो knowing the public key make calculating the private key much easier। उसने कहा इस अगर हमारे पास asymmetric में छोटी कीज हों तो हम अगर हमें पब्लिक की का पता चल जाए तो हम प्राइवेट की को इजीली जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं, बट साइमेट्रिक एन्क्रिप्शन में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पास अगर छोटी की है, बड़ी की है, जैसी भी है, हम उसको जो है ना ब्रीच करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हैकर के लिए बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट ऐड करना। एडवांटेजेस ऑफ साइमेट्रिक एन्क्रिप्शन, अब इसके हमारे पास एडवांटेजेस क्या है। साइमेट्रिक एन्क्रिप्शन मे बी एक्सट्रीमली सिक्योर विद व्हेन इट अप्लाई अ सेफ एल्गोरिथम। जब हम उसके ऊपर सेफ एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ही सिक्योर होता है, सिक्योरिटी ब्रीच करना बहुत ही मुश्किल होता है। इट्स एक्सट्रीमली सिंपल टू एन्क्रिप्ट एंड डिकोड साइमेट्रिक डाटा। अब कह रहे क्योंकि इसमें हम सिंगल की यूज करते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा इजी होता है, हम डाटा को स्पून से एन्क्रिप्ट भी कर सकते हैं और डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं, रिजल्टिंग इन एक्सलेंट रीडिंग एंड राइटिंग परफॉर्मेंस, मतलब वही कि हम डाटा को इजीली एक्सीलेंटली रीड और राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर। दिस एडवांटेजेस ऑफ साइमेट्रिक एन्क्रिप्शन, अब इसके हमारे पास जो एडवांटेजेस भी कुछ हैं, कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। क्या है, एन्क्रिप्शन की आर जस्ट प्लेन टेक्स्ट स्ट्रिंग लाइक पासवर्ड। उसने कहा जो हमारे पास एन्क्रिप्शन कीज है वो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट नहीं होती है, सिंपल वर्ड की स्ट्रिंग्स नहीं होती है जैसे हम पासवर्ड किसी का सेट करते हैं, तो ये बड़ा ही मुश्किल मैथमेटिकल भी हो सकती है, कोई भी इसमें फॉर्म हो सकती है जो कि बड़ी मुश्किल होती है, उसको याद रखना पड़ लिया बहुत मुश्किल है। व्हेन समवन ऑब्टेन साइमेट्रिक की, अगर किसी अनऑथराइज्ड बंदे ने हमारी साइमेट्रिक की हासिल कर ली, किसी तरीके से हासिल कर ली,
हमारा जो पूरा पूरा डाटा है ना वो उसको एक्सेस कर सकता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही की होती है, तो इससे ये है कि हमारा जो डाटा लॉस है वो बहुत ही बड़े पैमाने में हो सकता सबसे पहला टॉपिक हम वो जो देख लेते हैं वो है साइफर मॉडल। साइफर मॉडल जो है वो एक टेक्निक है, इसको अपने जो मैसेज है इसको जो है ना सिक्योर करने के लिए। और साइफर मॉडल को जो हम है वो डिवाइड करते हैं दो, आगे उसकी टाइप्स है, सिमेट्रिक साइफर मॉडल और एसिमेट्रिक। जैसे कि उसने बताया कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में वो जो सीक्रेट की है वो एक ही इस्तेमाल होती है, और एसिमेट्रिक में सीक्रेट की जो होती है वो एक से ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो मेन डिफरेंस इसमें यही है। मेरा जो मेन टॉपिक है वो है सिमेट्रिक साइफर मॉडल, तो उस पर फोकस करते हैं। सिमेट्रिक साइफर मॉडल इज वन ऑफ इज द वन विच यूज द सेम की फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। सिमेट्रिक साइफर मॉडल में जो होती है इनक्रिप्शन एल्गोरिथम और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम, इन दोनों एल्गोरिथम्स में सीक्रेट की जो इस्तेमाल होती है वो सेम होती है, और वही की जो है ना यूज होती है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। साइफर टेक्स्ट वो होता है जो आप कह लें कोडेड टेक्स्ट होता है, जो किसी अनऑथराइज यूजर अगर एक्सेस ले रहा है नेटवर्क पे उसको जो है ना उसे बचाने के लिए जो टेक्स्ट हम उसको कन्वर्ट करते हैं वो साइफर टेक्स्ट होता है। उसके बाद जो मेन कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर ये मॉडल कंपोज कर रहा है वो है प्लेन टेक्स्ट, सीक्रेट टेक्स्ट, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, साइफर टेक्स्ट और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। इनको हम डिटेल में देखते हैं। प्लेन टेक्स्ट वो है जो ओरिजिनल मैसेज होता है जो मतलब सेंडर जो है वो क्रिएट करता है, उसको हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। सीक्रेट की जो है वो इनक्रिप्शन एल्गोरिथम के लिए एज अ इनपुट वर्क करती है, और आउटपुट भी जो है ना वो ही देती है एज अ साइफर टेक्स्ट जो होता है। इनक्रिप्शन एल्गोरिथम जो है वो यूज करते हैं हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। साइफर टेक्स्ट जो होता है वो है वो ही जो हिडन होता है या कोडेड फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट जो होती है उसको साइफर टेक्स्ट कहते हैं। और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम जो है उसको इस्तेमाल करते हैं हम साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए या डिक्रिप्ट करने के लिए। और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम जो है वो भी वही सेम सीक्रेट की यूज करता है। इसके बाद ये एक इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं वर्किंग साइफर मॉडल की। जैसे जो पहली डायग्राम है उसमें हम देख सकते हैं कि एक सेंडर ने मैसेज सेंड किया है हाई, और सेंटर में नेटवर्क है। नेटवर्क को जो है ना एक अनऑथराइज यूजर वो अगर एक्सेस कर लेता है वो इजीली मैसेज पढ़ सकता है हाई, तो ये जो है वो अनसिक्योर तरीका है। और अगर हम इसमें सिमेट्रिक साइफर मॉडल अप्लाई कर देते हैं और इसको जो है ना कोडेड फॉर्म में भेज देते हैं, तो इधर से देखें ये जो हाई जो उसने सेंड किया था सेंडर ने, ये फर्स्ट एरो है जिधर उधर जाके वो उसमें कन्वर्ट हो गया है साइफर टेक्स्ट में, और नेटवर्क के थ्रू पास कर गया है, और आगे वो साइफर टेक्स्ट जो है वो कन्वर्ट हो गया है इसमें प्लेन टेक्स्ट में। सीक्रेट की दोनों ने सेम इस्तेमाल की है, और इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में। इसके बाद देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं सिमेट्रिक साइफर मॉडल की। सिमेट्रिक साइफर मॉडल की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो दो हैं, स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन एल्गोरिथम और सीक्रेट की नोन बाय ओनली सेंडर एंड रिसीवर। इनक्रिप्शन एल्गोरिथम मतलब कि वो जिस जो मेन एल्गोरिथम या आप कह लें मेन फॉर्मूला या मेथड है जिसके थ्रू वो वैल्यूज कन्वर्ट होती हैं उसमें साइफर टेक्स्ट में, प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट होता है साइफर टेक्स्ट में। और इसके आगे एग्जांपल में देखते हैं वो ज्यादा सही समझ आ जाएगी। सीक्रेट की जो है वो सेंडर और रिसीवर को जो है ना पता होनी चाहिए, किसी तीसरे बंदे को नहीं। जैसे ये एग्जांपल है, प्लेन टेक्स्ट अगर हमने रखा है ग्रुप वन, और इसका हमने एनक्रिप्शन एल्गोरिथम बनाया है +3 के हिसाब से, मॉड 26, 26 अल्फाबेट्स होते हैं टोटल। और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में हमने -3 के हिसाब से बनाया है उसको वापस डिक्रिप्ट करने के लिए मॉड 26। जब भी हम अप्लाई कर देंगे इनक्रिप्शन एल्गोरिथम तो साइफर टेक्स्ट जो बनेगा वो ये बनेगा JURX और ONE बाय, और फिर जब आगे से ये पास कर देगा और इस पर डिक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाई होएगा तो वापस हमें प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा, वो प्लेन टेक्स्ट -3 के हिसाब से मिलेगा, वो यही है ग्रुप वन। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो 3 है ये क्या चीज है। 3 जो है ना इसमें उसको जो अल्फाबेट्स होंगे उनके इंडेक्स को इंडेक्स पे जो है ना असर करेगा, इंडेक्स शुरू होगा। अगर हम इसको कोडिंग के लिहाज से देखें तो इंडेक्स शुरू होता है 0 से, 0 से लेके 25 तक टोटल अल्फाबेट्स हो गए 26। और ये जो है ना तरीका इस्तेमाल होता है साइफर टेक्स्टिंग उसके लिए, सिमेट्रिक साइफर मॉडल के लिए। विजुअल ओवरव्यू देख लेते हैं इस तरह, जैसे ये +3 mod 26 वो -3 mod 26,
ऐसे ही प्लेन टेक्स्ट में जैसे ही देखें ए है, ए जो है वो 0 पे है और +3, इसके आगे +3 वाली जो वैल्यू है वो सब्सिट्यूट कर देगी ए को, 0, 1, 2, 3, 3 पे डी है, डी सब्सिट्यूट कर देगा ए को। तो इसी तरह जो है ना सारे अल्फाबेट्स को सब्सिट्यूशन के लिए इस्तेमाल किया है। और ड्रिप्ट अगर डिक्रिप्ट करना है तो साइफर टेक्स्ट के अंदर जाना है प्लेन टेक्स्ट में, वो -3 है, ऊपर देखेंगे नीचे डी है ना, डी में से -3 अगर हम जाएंगे तो वो ए है। तो इसी तरह जो है ना ये इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होते हैं प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट। इसके बाद देख लेते हैं सिमेट्रिक साइफर मॉडल को एक डायग्राम की सूरत में क्विक ओवरव्यू के लिए। प्लेन टेक्स्ट जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्लेन टेक्स्ट आया है इनक्रिप्शन एल्गोरिथम के से पास हुआ है और उसे सीक्रेट की मिल गई है जो हमने खुद सेट करनी होती है सेंडर और रिसीवर ने मिलकर। इधर से पास किया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा साइफर टेक्स्ट में। आगे साइफर टेक्स्ट जा रहा है डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में और वो जो उधर सीक्रेट की है वो भी उसको मिल गई है और रिसीवर के पास पहुंच के जो है ना वो आगे मैसेज जो है वो कन्वर्ट होगा प्लेन टेक्स्ट में। तो ये था एक सिमेट्रिक साइफर मॉडल पे एक छोटी सी प्रेजेंटेशन। और जो आगे दूसरा टॉपिक है वो है सीजर साइफर। सीजर साइफर ये भी एक टेक्निक है अपने मैसेज को जो है ना सिक्योर करने के लिए। इसको कहा जाता है कि ये सबसे पहले जो है ना ओल्डेस्ट सब्स्टिट्यूशन टेक्निक जो है ना इस्तेमाल हुई थी इसमें मैसेज को सिक्योरली जो है ना सेंडर से रिसीवर तक भेजने के लिए। इसका नाम जो इसको सीजर साइफर दिया गया था वो दिया गया था जूलियस सीजर जो कि एक मिलिट्री का जनरल था। उसने जो है ना अपनी आर्मी से कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले जो है ना इस टेक्निक को इस्तेमाल किया था। इस टेक्निक में होता ये है कि जो प्लेन टेक्स्ट का जो अल्फाबेट्स होते हैं ना वो रिप्लेस कर देते हैं करेक्टर्स के साथ जो हमने सेट किए होते हैं एन पोजीशन पे। और इस तरह जो है ना वो मैसेज जो होता है वो फुली सिक्योर तरीके से सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जाता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये आती है कि जो इसकी सीक्रेट की होती है वो किसी को ज्यादा लोगों को जो है ना पता नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है इसके हम देख लेते हैं वर्किंग। वर्किंग इसकी भी सेम है, प्लेन टेक्स्ट जो है वो ओरिजिनल मैसेज होता है, सीक्रेट की जो है वो इनपुट के तौर पे ली जाती है, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम उसको इनपुट के तौर पे लेता है और आउटपुट दे देता है। इनक्रिप्शन एल्गोरिथम का जो आउटपुट होता है वो होता है साइफर टेक्स्ट। इनक्रिप्शन एल्गोरिथम जो है वो यूज होता है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। और फिर साइफर टेक्स्ट जो होता है वो होता है हिडन कोड। साइफर टेक्स्ट में मेनली वो मैसेज होता है जो सेंडर सेंड करना चाह रहे रिसीवर को। और फिर डिक्रिप्शन एल्गोरिथम जो है वो इस साइफर टेक्स्ट को जो है ना डिक्रिप्ट कर देता है प्लेन टेक्स्ट में। और ये भी जो है वो ही सीक्रेट की यूज करता है जो इनक्रिप्शन एल्गोरिथम ने यूज की होती है। उसके बाद इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि प्लेन सपोज के हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट था वो था जो हमने इनक्रिप्ट करना था और वो जा रहा है मैसेज अटैक आफ्टर 2 आवर्स। ये अगर हम मैसेज डायरेक्टली भेज देंगे तो इसका काफी जो है ना अगर वो नेटवर्क के थ्रू अनऑथराइज यूजर्स जो होते हैं या हैकर इसको एक्सेस कर लेते हैं काफी लॉस हो सकता है इस चीज का। लेकिन अगर हम इसको उसके सीजर साइफर का जो एक रूल है या मेथड है उसके थ्रू भेजते हैं और इसमें हम वो रखते हैं शिफ्टिंग जो है वो 3 की रखते हैं, मतलब अपना वो जो है सीक्रेट की +3 और -3 रखते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, तो वो ये जो है ना मैसेज इस कोड के फॉर्म में जाएगा WDWWDFNDIWHUWZRKRXUV। तो काफी ज्यादातर जो है ना मिलिट्री के जो होते हैं पर्सन जो आपस में अगर किसी वो गए हुए हैं सिचुएशन में आपस में जो है ना किसी कम्युनिकेशन के लिए इसी तरह के जो है ना कोडेड लैंग्वेज यूज करते हैं ताकि अगर कोई नेटवर्क में उसको एक्सेस कर भी ले तो उनको इजीली समझ ना आए इस चीज की। इसमें भी मेनली इन्वॉल्व कंपोनेंट्स जो है वो 5 हैं, में प्लेन टेक्स्ट, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, साइफर मैसेज, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम और सीक्रेट की। इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें जो मेन मैथ है इस तरीके के पीछे वो क्या है। सबसे पहले तो वो ही कि देयर मस्ट बी अ सीक्रेट की ऑन विच द एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ द प्लेन टेक्स्ट डिपेंड्स, कि एनक्रिप्शन उसकी सीक्रेट की जो है ना होनी चाहिए जिस पे इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टोटली डिपेंड करती है। आउटपुट जो है वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है सीक्रेट की पे। और
जो इसको हम अगर रिलेट करें, जो पहले मैंने एग्जांपल दी है अटैक आफ्टर 2 आवर्स की, उसकी एग्जांपल को अगर हम इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन उसके रूल्स चेक करें तो वो ये होंगे। इनक्रिप्शन रूल उसमें +3 हो रहा है और डिक्रिप्शन रूल में -3 हो रहा है। पी जो है वो है नंबर ऑफ प्लेन इंडेक्स, नंबर ऑफ प्लेन टेक्स्ट, और सी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स नंबर ऑफ साइफर टेक्स्ट को। उसके बाद हम देख लेते हैं मोटिवेशंस क्या, हमें इसको करने की जरूरत क्यों आती है, इस तरह की जो सीजर साइफर इनक्रिप्शन है इनको करने की जरूरत क्यों आती है। तो इसमें यही है कि जो पहली मोटिवेशन है वो यही है कि मैसेज जो है वो सेफ और सिक्योर तरीके से सेंडर से रिसीवर तक चले जाए। और फिर दूसरी आती है प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना साइफर टेक्स्ट में, और तीसरी आती है प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करना, मतलब सिक्योर करना कि अगर नेटवर्क मतलब जा रहा है मैसेज जा रहा है सेंटर नेटवर्क में से, अगर किसी अनऑथोराइज यूजर या हैकर उसको एक्सेस कर लेता है तो वो उसे इजीली समझ ना आए मैसेज, मतलब कि वो उसको इजीली समझ ना आए, तब तक समझ नहीं आएगी उसे जब तक सीक्रेट की सिक्योर है। अगर सीक्रेट की उसे पता लग जाती है फिर वो इजीली इसको भी जो है ना एक्सेस कर लेता है,